So guys, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं कुछ चैलेंजेस जो हम लोगों को माइनक्राफ्ट देने वाला है। तो लिटरली गाइस, हम लोगों को जो माइनक्राफ्ट के इंट्रो पे जो चैलेंजेस कुछ माइनक्राफ्ट लिख के सेंड करता है, उसमें माइनक्राफ्ट कभी कभार चैलेंजेस भी देता है। सो नाउ लेट्स गो। यहाँ पे हम लोगों ने अपना माइनक्राफ्ट लोड कर लिया और यहाँ पे ये कैसा चैलेंज है? ओके, ये भी कोई चैलेंज नहीं है। और ये हमने टोटल लगातार ट्राई किया और काफी घंटे फूकने के बाद फाइनली एक उम्मीद के साथ हम लोगों को एक न्यू चैलेंज नहीं मिला। चलो कोई नहीं, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे जब तक चैलेंज नहीं मिल जाता। ओके, कोई नहीं, हम लोग फिर से ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक और एक चैलेंज मिल गया है। फर्स्ट चैलेंज अपना जो है वो है ऑल ब्लॉक्स कवर्ड। सो लेट्स गो, बनाते फटाफट से एक वर्ल्ड। तो अभी हम लोगों ने वर्ल्ड बना दिया है जिस वर्ल्ड का कुछ भी नाम नहीं है। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे गेम स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोगों का गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग फटाफट से यहाँ पे डर्ट वगैरह कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कवर हम लोग अगर कोई खड्डे को कवर करेंगे तो उसके लिए ब्लॉक तो चाहिए ही। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने ब्लॉक कवर कर दिया है। अभी हम लोगों को ढेर सारे फूड चाहिए, क्योंकि क्या पता मुझे खड्डा ना मिले और मैं खुद से बना भी नहीं सकता। और वैसे यहाँ पे मुझे हंगर की वजह से जो है मुझे मरना नहीं है, तो इस वजह से मुझे एनिमल्स को मारना पड़ेगा। वैसे तो अगर माइनक्राफ्ट में ऐसा रूल्स देखे बहुत बुरा हो गया। काश ऐसा होता कि हम लोग वेज भी इजीली कलेक्ट कर सकते थे नॉर्मल फूड, पर कोई नहीं, हम लोग को फूड चाहिए तो मारना पड़ेगा। अच्छा, तो चलो हम लोगों ने उसको मार दिया, अभी इसको मारते। चलो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं फूड कलेक्ट करने का टाइम लैप्स। ऑलराइट, तो मेरे पास अभी काफ़ी अच्छा खासा सोर्स ऑफ फूड आ चुका है। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे हंगर से मरना नहीं है, तो मैं यहाँ पे चिकन खा लेता हूँ। तो रॉ चिकन खाते मुझे यहाँ पे हंगर लग गया, कोई नहीं। तो अभी हम लोग आसपास जो एक्सप्लोर करते हैं खड्डे को। ओ एक सेकेंड, वहाँ पे मुझे खड्डा मिला और इसको कवर करते करते मुझे नहीं पता मैं बुढ़ा हो सकता हूँ इसको कवर करते करते, और मुझे इसको कवर भी नहीं करना है। इतना बड़ा कौन खड्डा कवर करता है? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा छोटा खड्डा देखना पड़ेगा जहाँ पे मैं इसको कवर कर सकता हूँ। वैसे मैंने शिप को भी डैमेज दिया, तो इसको तो मैं तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक ये मरेगा नहीं। चल निकल यहाँ से जल्दी जल्दी। ओके, अब ये गया पूरा, लेट्स गो। तो अभी ऊपर चलते यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ तोड़ के। तो गाइज, अभी जो है एक्चुअल मुझे अभी भी कोई खड्डा मिला नहीं है, तो यहाँ पे मुझे शिप मिल गया, इसको ले लेते हैं। देखो गाइज, अगर हम मर जाएंगे तो हम लोग इस चैलेंज को हार जाएंगे, जो कि मुझे कभी नहीं हारना। तो अभी फिलहाल खड्डा ढूंढने वाला काम को जारी रखते हैं। सो लेट्स गो, यहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल है नहीं। तो गाइस, काफी घंटे हो चुके हैं, मैंने उस पूरे के पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आइलैंड की ओर। वैसे गाइस, मेरा जो तबीयत काफी ज्यादा खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो यार, मुझे आप सभी पे ट्रस्ट है। एक सेकेंड, ये तो वही वाला ग्लिच है जो कि मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, तो आप लोगों ने बोला था कि ये कॉमन है, तो इसीलिए ये कॉमन मुझे अब मुझे ये देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उस वक्त मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो स्केरियस चीज़ हो रहा है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे ढूंढते खड्डे को। यहाँ पे मुझे पिग मिल गया। ए रुक जा पिगी भाई, रुक जा भाई, मुझे थोड़ा सा तू आ जा प्लीज़, मेरे पेट में आ जा प्लीज़, मुझे हंगर से नहीं मरना भाई, नहीं तो मैं इस चैलेंज को हार जाऊँगा, प्लीज़ आ जा। अरे यार कितना ज़्यादा घुमाता है यार, मर जाना। तो फाइनली इसको हम लोगों ने मार दिया। और यहाँ पे क्या कोई पानी है क्या? लेट्स सी। ओ नहीं, यहाँ पे केव है, एंड ये केव कितना गहरा है एक बार देखते जाके। वो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग ऊपर चढ़ के इसको फटाफट से जो है कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्या? अरे पेग, अरे मत अंदर जा यार, इसको मैं कवर नहीं कर सकता गाइज, मैं इन लोगों को कवर नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता किसी एनिमल को इसके अंदर कवर करना। यार तू बाहर निकल, तू जल्दी निकल यार, भैंस की टांग, तू निकल रही है कि मैं तुझे यहाँ पे मार दूँ? यार निकल जल्दी। अरे यार ये देखो बच के किधर किधर जा रहा है, नहीं निकलना यार बाहर, रहने दो गाइस, मैं इसको मार ही देता हूँ, फालतू में क्या करो यार। और एक सेकेंड, मैं जस्ट अभी पिक को पकड़ा था, तू क्यों आ गया यार? कोई नहीं, अभी लगता है मुझे शायद से कवर कर देना चाहिए। आई एम सो सॉरी गाय भाई, बट मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सब्सक्राइबर्स देखेंगे भी नहीं, और कोई इस वीडियो को नहीं देखेगा तो रीच नहीं आएगा, और रीच नहीं आएगा तो वीडियो पर लाइक नहीं आएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं मिलेगा, वॉच टाइम भी नहीं आएगा। तो इस वजह से तुझे ये करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी मेरे काओ भाई। चलो कोई नहीं, अभी सब खड्डे को कवर करते फटाफट से, लेट्स गो। तो गाइस, मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं लिटरली अभी इस वीडियो पे जो है बोल भी रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सा क्रिएट हो रहा है, पर आप लोगों के लिए गाइस मैं बनाऊँगा। और ये चीज़ जो मैंने ठान लिया कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, तो इस वजह से हम लोग को ये काम करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं कह सकता गाइस। बस आप लोग वीडियो पर थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखो, जिससे कि हम लोग को और मोटिवेशन फील हो।
तो हम लोग जो डेली वीडियोस डाल सके, तो आप लोग प्लीज़ यार सपोर्ट करना, ऐसा नहीं कि इस वाले वीडियो पे सपोर्ट ना आए, प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। तो चलो अब इस वाले ब्लॉग को कवर कर देते हैं। ऑल डन, अभी सब कुछ यहाँ पे हो चुका है कवर। और वैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर लिटरली एक गाय दबा हुआ है। गाइस बेचारा काओ अंदर से चिल्ला रहा होगा कि मुझे निकाल दो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ यार इस वाले डर्ट को खोद के निकाल देने, बट उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो बढ़ते नेक्स्ट चैलेंज की ओर। तो लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ पे माइनक्राफ्ट को स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कर कौन सा चैलेंज मिलने वाला है। लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी भी लोड हो रहा है, अभी जल्दी जल्दी लोड हो जाए। और कितना लंबा करेगा इस वीडियो को, ओके ओके लोड होने वाला है बस, और थोड़ा सा बचा है। हो जा लोड यार, प्लीज़ हो जा ओके ओके हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का जो सेकेंड चैलेंज है वो है द स्काई इज द लिमिट। तो अभी हम लोग फिर से बनाते एक नो नेम वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड का कुछ नाम नहीं है। तो अभी हम लोग बनाते इसको फटाफट से। एंड यहाँ पे हम लोग का गेम लोड हो चुका है, और स्पॉन इतना ज़्यादा भद्दा नहीं मिलना चाहिए था। मैं लिटरली यहाँ पे टेराकोटा तोड़ूंगा कैसे। चलो कोई नहीं गाइज, यहाँ पे डर्ट तो वैसे है ही, तो मैं फिलहाल स्काई लिमिट पे तो जा ही सकता हूँ। तो गाइज अभी फिलहाल यहाँ पे मैं काम करने वाला, एक मेरे पास आइडिया है, तो वो वाला आइडिया मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक काम करूँगा, मैं ढेर सारे शवल्स बनाऊँगा स्टोन का, और उसके बाद मैं उसको खोदा खोदी करूँगा, और पूरे के पूरे एरिया में जो है मैं ढेर सारे डर्ट और सैंड कलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं पूरा का पूरा स्काई लिमिट तक जाने का ट्राई करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं आ चुका वुडन पिकेक्स बना के नीचे, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत खोदा खोदी करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टोन के शवल बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टोन का शवल बनाने के लिए स्टिक ही नहीं लिया था, तो मैंने स्टिक ले लिया। अभी मैं यहाँ पे ढेर सारे शवल बना लेता हूँ, लेट्स गो। ओके, तो अभी हम लोग अपना तोड़ा फोड़ी का काम स्टार्ट करते हैं। टाइम लैप्स। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। ओ नहीं, मेरा एक शवल टूट गया। कोई नहीं, मेरे पास ढेर सारे शवल है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सभी ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो है मैंने एक बकेट भी बना लिया है जिससे मैं पानी भर के ला सकता हूँ। और वैसे तो अभी मैंने सब ब्लॉक कलेक्ट कर लिया है, तो इस शवल का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलो हम लोग ढूंढने चलते हैं पानी, और पानी इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि मैं एकदम स्काई लिमिट से MLG करने वाला हूँ। तो चलो पानी ढूंढते हैं, पानी। ओह एक सेकेंड, यहाँ पे पानी है, लेट्स गो। चलो गाइस अभी हम लोग चलते फटाफट से नीचे, एंड यहाँ से पानी उठाते हैं। ओके, तो पानी तो मिल चुका है, एंड अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने बेस की ओर। तो यहाँ पे फटाफट से भागते फुल स्पीड के अंदर, नहीं तो रात हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे रास्ते में सैपलिंग मिल गया, तो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, जिससे अगर मैं कभी स्काई लिमिट में चढ़ने के बाद जैसे नीचे उतरूँ तो ये पेड़ होप कि बड़ा हो जाए। बाकी तो लग नहीं रहा बड़ा होगा, और वैसे सनसेट काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा हो रहा है। तो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद मैं पहुंच चुका हूँ एकदम स्काई लिमिट में, अब डे होने का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली अब डे हो चुका है, एंड अभी मैं यहाँ से करने वाला हूँ वाटर बकेट MLG। एंड आई थिंक सो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि नीचे का ब्लॉक एकदम ऊपर खाबड़ है। मैं मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा अभी या नहीं, क्योंकि मेरे 1 ईयर हो चुके ना वाटर बकेट क्लच को करने का, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगा। बट लेट्स सी होता है, यानी अगर मैंने कर लिया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई बात नहीं गाइस, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग वैसे भी आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसा कोई बात नहीं है मुझे नहीं आता, पर हाँ वो ऊपर से थोड़ा गिरते वक्त कॉन्फिडेंस लो था, इस वजह से नहीं हो पाया ना। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे आउटरो देते हैं, बट आउटरो देने से पहले एक चीज़ मिसिंग था जो कि मैंने ले लिया है। एंड नाउ गाइस, अभी आप लोगों को जो है कोई नहीं, अभी मुझे फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा आउटरो के लिए। ओके, तो नाउ गाइस अभी आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो ये वुडन के पिकेक से आपके खोपड़ी में टपली मारूंगा। और हाँ भले ये वुडन का है बट लगता काफी जोर का है। तो नाउ अभी आप लोग कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि इसका पार्ट 2 लाए या फिर नहीं। तो नाउ बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।